हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट डायरीज। गाइस, आज मैं आपके साथ कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स रोज़ वाटर के शेयर करने जा रही हूँ। रोज़ वाटर हमारे किन किन कामों आ सकता है और रोज़ वाटर के कितने फ़ायदे हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं खुद रोज़ वाटर को इन 10 तरीकों से यूज़ करती हूँ। और रोज़ वाटर आपको तो पता ही होगा हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, कितना बेनिफिशियल होता है रोज़ वाटर। सॉरी, मेरा गला ख़राब है। तो ये जो रोज़ वाटर मेरे हाथ में है, ये डाबर का है जो कि मैंने मार्केट से लिया था। ये बाकी रोज़ वाटर से मुझे बेस्ट लगता है, तो मैं अक्सर ये यूज़ करती हूँ, या तो मैं घर का बना हुआ रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। मैंने आपके साथ पिछली बार एक वीडियो शेयर की थी, हाउ टू मेक DIY रोज़ वाटर एट होम, जो कि मैंने घर का बना हुआ रोज़ वाटर इस स्प्रे बॉटल में रखा हुआ है, और 2 से 3 महीने तक ये आराम से चल जाता है, अगर आप रोज़ वाटर को उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैंने दिखाया था, अगर आपको टाइम कंज्यूमिंग ना लगता हो तो। क्योंकि घर पे हुए बने हुए रोज़ वाटर के ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, वो 100% प्योर होता है, पैराबिन फ्री होता है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं, कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, और वो आपकी स्किन को ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट के रोज़ वाटर्स है उनसे। जो 10 हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो सच में अमेजिंग और शॉकिंग 10 हैक्स है। अगर आप इन 10 हैक्स को, इन 10 तरीकों से रोज़ वाटर को यूज़ करेंगे, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएंगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप किन किन तरीकों से रोज़ वाटर को यूज़ कर सकते हैं। टू गेट रिड ऑफ स्मेल फ्रॉम हेयर, जब हमारे बाल थोड़े से ग्रीजी या डर्टी हो जाते हैं तो उनसे गंदी सी स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है, जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस गंदी स्मेल को दूर करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज स्प्रे रोज़ वाटर डायरेक्टली ऑन योर हेयर एंड गेट अमेजिंग स्मेल ऑफ रोजेस। हैक नंबर 2, टू सेट मेकअप। जब आप मेकअप अप्लाई करती हैं, मेकअप अप्लाई करने के बाद आपको अपने मेकअप को सेट करने के लिए रोज़ वाटर को अपने फेस पे डायरेक्टली स्प्रे करना है इस तरीके से, और आपका मेकअप सेट हो जाएगा, और बहुत अच्छे वे में मेकअप आपका सेट हो जाएगा। सेटिंग स्प्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं। हैक नंबर 3, DIY मेकअप रिमूवर। हैक नंबर 3, जैसे कि DIY मेकअप रिमूवर का काम करता है रोज़ वाटर, जो आपके फेस पे मेकअप लगा होता है उसको रिमूव करने के लिए भी आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ऐड 1 tablespoon ऑफ कोकोनट ऑयल एंड 2 tablespoon ऑफ रोज़ वाटर, मिक्स द मिक्सचर वेल एंड अप्लाई दिस विद द हेल्प ऑफ कॉटन पैड एंड रिमूव योर ऑल मेकअप विद दिस, because I personally use this method to remove my makeup whenever I apply makeup. Hack number 4, to clear acne from your face. तो एक्ने को क्लियर करने के लिए भी आप रोज़ वाटर को यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक्ने से छुटकारा पाने के लिए आपको रोज़ वाटर को 1 tablespoon रोज़ वाटर लेना है, और 1/2 teaspoon 1/4 teaspoon लेमन जूस ऐड करना है इसमें, नींबू का पानी, और अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे आपको एक्नी है वहाँ पे कॉटन पैड की हेल्प से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हाथ से कभी भी यूज़ ना करिएगा। हैक नंबर 5, टू गेट रिड ऑफ टायर्ड आइज एंड डार्क सर्कल्स। जब आप बहुत टाइम तक कंप्यूटर, लैपटॉप, PC पे काम करते हैं, आपकी आंखें बहुत थक जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं और रेड भी हो जाती हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आप रोज़ वाटर को 5 मिनट्स तक फ्रीज़र में रख दीजिए, और फ्रीज़र से निकालिए, और अपनी आंखों पे कॉटन पैड की हेल्प से यूज़ करिए, तो आपकी आंखों से सारी टायर्डनेस दूर हो जाएगी और रेडनेस भी कम हो जाएगी। रोज़ वाटर बहुत अच्छा होता है हमारी आंखों के लिए भी, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं एलर्जी, पोल्यूशन, डर्ट और गर्मी हीट की वजह से
हमारी आंखें टायर्ड हो जाती हैं या कंप्यूटर पर बहुत टाइम, आज जैसे कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं हम तो बहुत टाइम स्क्रीन को देखने से भी आंखें टायर्ड हो जाती हैं, या जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी रोज़ वाटर हमारी हेल्प करता है। बस आपको करना इतना है कि रोज़ वाटर को सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है और 5 मिनट के बाद फ्रीज़र से निकालना है, और इस तरीके के कॉटन पैड्स के हेल्प से आपको आंखों पे यूज़ करना है ठंडा रोज़ वाटर। इससे आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी, कूलिंग रिफ्रेशिंग इफ़ेक्ट आपकी आंखों पे आएगा और रेडनेस जलन बिल्कुल कम हो जाएगी। एज अ स्किन सॉफ्टिंग फैशियल टोनर, रोज़ वाटर को आप फैशियल टोनर के लिए और स्किन सॉफ्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इस तरीके से रोज़ वाटर को 3-4 times दिन में यूज़ करती हूँ सॉफ्ट स्किन पाने के लिए। आपको क्या करना है, रोज़ वाटर में 1-2 drops ग्लिसरीन के डालने हैं और अपने फेस पे स्प्रे करना है या कॉटन पैड की हेल्प से लगाना है, तो आपको बहुत ही सॉफ्ट और सपल स्किन मिल सकती है और साथ साथ आपकी स्किन पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लो भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप स्किन सॉफ्टनिंग टोनर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। टू हाइड्रेट एंड मेक लिप्स सॉफ्ट, लिप्स को सॉफ्ट करने के लिए जो आपके ड्राई लिप्स हो जाते हैं उनके लिए भी आप रोज़ वाटर को यूज़ कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली स्प्रे कर दीजिए इस तरीके से जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो आपके ड्राई लिप्स जो है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रोज़ वाटर को या तो आप क्यू टिप की मदद से भी लगा सकते हैं, फिंगर्स की मदद से भी लिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं या स्प्रे भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, रोज़ वाटर हमारी स्किन के साथ साथ हमारे होंठों को भी सॉफ्ट करने में हमारी हेल्प करता है और हाइड्रेट करने में भी हेल्प करता है फॉर डी टैनिंग। बहुत टाइम सन में रहने से हमारी जब स्किन एक्सपोज होती है तो हमारी बॉडी फेस जो होता है टैन होना शुरू हो जाता है, तो टैनिंग को रिमूव करने के लिए भी रोज़ वाटर हमारे बहुत ही काम आ सकता है। तो किस तरीके से हमें क्या करना है, हमें 2 tablespoons एलोवेरा जेल की लेनी है और 1 tablespoon हमें रोज़ वाटर का ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है मिक्सचर को और हाफ एन आवर के लिए अपनी स्किन पे ऐसे ही छोड़ देना है। हाफ एन आवर के बाद अपने फेस को वॉश कर दीजिए और आपकी स्किन जो है ठीक हो जाएगी। टू प्रिवेंट स्किन इरीटेशन आफ्टर शेविंग, बहुत सारे लोगों को स्किन इरीटेशन या एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं शेव करने के बाद, या जलन होना स्टार्ट हो जाती है शेव करने के बाद, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के और लड़कियां शेव करते हैं, आज तो गर्ल्स भी शेव करती हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए। फेस को बालों से छुटकारा पाने के लिए, परमानेंटली नहीं लेकिन बहुत हद तक कम हो जाने के लिए, मैं आपके साथ और वीडियोस शेयर करूंगी किस तरीके से आप परमानेंटली छुटकारा पा सकती है अपने बालों फेस के बालों से। लेकिन जो भी शेव करता है उसको रोज़ वाटर, चिल्ड रोज़ वाटर को अपने फेस पे स्प्रे करना है आफ्टर शेव के तरह, और आपके फेस से इरीटेशन जलन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स। बॉयज़ तो बहुत ज़्यादा शेव करते हैं, कुछ बॉयज़ तो हर दिन शेव करते हैं और उनकी स्किन पे जलन, रेडनेस और एलर्जी हो जाती है, और रोज़ शेव कर करके उनकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है। तो आफ्टर शेव आप ठंडे रोज़ वाटर को अपने फेस पे स्प्रे कर दीजिए जैसे मैंने आपको दिखाया, और आपको फ़र्क हो जाएगा। फॉर रोज़ी ग्लो, रोज़ी ग्लो पाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी डे क्रीम जो आप दिन में इस्तेमाल करती हैं उसमें 1-2 कतरे आपको रोज़ वाटर के ऐड करने हैं और उस क्रीम को अपने चेहरे पे अप्लाई करना है जो आप दिन में यूज़ करती हैं। तो सनस्क्रीन को भी आप अप्लाई कर सकती हैं, रोज़ वाटर के 1-2 कतरे उसमें ड्रॉप्स डाल दीजिए तो उसे अपने फेस पर अप्लाई करिए, तो आपको पिंकिश रोज़ी ग्लो मिल सकता है। क्योंकि रोज़ वाटर जो होता है, या तो डायरेक्टली भी आप स्प्रे कर दीजिए उससे भी आपके फेस पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रोज़ वाटर बहुत अमेजिंग होता है, हमारी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, स्किन को सूदिंग कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, स्किन को हाइड्रेट सॉफ्ट करता है, स्किन पे ग्लो लाता है, स्किन को रिफ़्रेश बनाता है, मॉइस्चराइज रखता है, और आँखों के लिए भी रोज़ वाटर बहुत अच्छा होता है। तो रोज़ वाटर को इस तरीके से आप अपनी
स्किन पे ग्लो और पिंकिश ग्लो पाने के लिए यूज़ कर सकती हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं खुद इस तरीके से रोज़ वाटर को डेली यूज़ करती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, एंड बिफोर लीविंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर।